हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज लंच से मैं अपना क्या ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, वो मेरा बेटा अभी तक नहीं नहाया है, इसलिए उसको बोली तो जल्दी नहा ले, नहीं तो मैं कैमरा में सारा तू रिकॉर्डिंग कर लूंगी तेरा वो नहाना वाला सीन। तो वो वही नहीं मम्मा नहीं मम्मा, अभी जाके नहा के आती हूँ करके बोल के जा रहा है, इसलिए मैं हंसने लगी। ड्रेस है ना वो कबर्ड में ही है, कपड़ में टॉवल लिया, टॉवल ले ले। आज बैठ के वो कार्टून देख रहा था, अभी तक नहीं नहाया। बस सुबह बोला मम्मा थोड़ी देर के बाद नहाऊंगी, क्योंकि कल दो दिन से थोड़ा बारिश भी हो रहा है इधर, तो मैं बोला ठीक है, ठंडा भी लग रहा था सुबह सुबह, तो ठीक है 10-11 बजे नहा ले, अभी तक नहीं नहाया बैठा है उधर। तो बोला अभी नहा, नहीं तो अभी कैमरा लेकर आती हूँ तेरा सारा चीज शूट करती हूँ। तो वो भी जल्दी भाग के गया बाथरूम में। तो आज अभी लंच में ही भी लंच बनाऊंगी, राइस तो बिठा दिया। और ये कल अभी फिर से इतना साग लेकर आए, ये तो बस कल पूरा क्लीन करके धोकर मैं इसको अच्छे से ऐसे रख दिया था। थोड़ा दाल में भी देकर बनाऊंगी आज, ऐसे ही हमारा पम्पकिन और वो जो रेडिश सबको मिलाकर बनाते हैं वो बनाऊंगी, साग चटचड़ी बोलते हैं हम लोग उसको, मैं दिखाऊंगी वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। और आज पखला भात तो मतलब पखला भात जो पानी वाला भात होता है वो खाने का आज मन है सबका, तो वो सब खाएंगे आज पखला भात, पखा पानी वाला भात, पखाड़ा भात हमारा बोलते उड़िया में, वो बनाऊंगी। तो इसलिए राइस तो बिठा दिया, हो गया ना ना, गुड बॉय आ गया ना के जब कंगी कंगी लेकर कंगी कर दूंगी। तो इतना फर्श नहा लिया, नहाने के लिए गया ना इतना जल्दी, बस ऐसे ऐसे करके साबुन लगा के आ जाता है बस। चलिए ये आज ड्रम स्टिक और ये आलू का पटाटो, ड्रम स्टिक और पटाटो मिला के फ्राई बनाऊंगी। चलिए हाँ बाबा, पकला ही बना रही हूँ उसको, वो भी दो तीन दिन से बोल रहा था मम्मा पकला खाना है, मम्मा पकड़ा खाना है। हाँ पकला भात ही सबके लिए आज बना दूंगी, इसका तो बहुत पसंद करता है। और जब स्कूल खुलता है ना तो मतलब स्कूल से आता है तो थोड़ा टायर्ड होकर आता है, तो डेली पूछे कि मम्मा पकला भात बना है, डेली कौन पकला भात बनेगा मम्मा डाले, तो ज्यादातर स्कूल से आने के टाइम पकड़ा ही खाता है, पर अभी तो स्कूल नहीं है। चलिए मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर लेती हूँ। बस ये चढ़ा दिया अभी कुकर में वो ड्रमस्टिक और आलू का, जो आलू जो गोल गोल कर काटी थी, बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। एक सीटी आएगा फिर मैं पानी देकर ठंडा कर दूंगी, क्योंकि नहीं तो ज्यादा गल जाएगा। बस थोड़ा सा होने के बाद मैं कुकर बंद कर दूंगी, फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर सारा मिला के फ्राई करूंगी, और इसमें सरसों का पेस्ट भी देकर फ्राई करेंगे तो और भी अच्छा लगता है। और अब जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो वही बना लूंगी मैं, और वो साग बनाऊंगी। और पम्पकिन नहीं था और हबी की भेजी हूँ, थोड़ा पम्पकिन और रेडिश मिलेगा तो लेकर आऊ, वो साग बनाने में अच्छा लगेगा। कितना बड़ा पालक ये पालक वो जो क्या पत्ता आता है ना, इसमें हमारा उधर पीस देते थे जब मैं छोटी थी ना, इस टाइप का पत्ता आता था, उसमें जो पॉन का फीस होता था उसमें आता था, वैसे ऐसे लग रहा है इतना बड़ा। चल पानी पिएगा बेटी, बेटी पालक देखकर बोल रहे मम्मा पालक पनीर करोगे क्या, पालक पनीर हो रहा है क्या, मतलब पनीर तो मतलब पनीर नहीं है घर पे, पनीर बनाऊंगी, दूध है 2-3 लीटर दूध से बना लूंगी सोच रही हूँ, तो रात को तो नहीं कल बनाऊंगी सोच रही हूँ, कल या परसों बनेगा, कल बनाऊंगी पालक पनीर इन लोगों के लिए। तो आज थोड़ा सा ही पालक कुछ करूंगी और ये रखूंगी पालक, पालक पनीर खाने का ऑर्डर आ गया आपसे अभी से। सारे मैंने मेरे बच्चे को, हल्बी को और मुझे भी साग इतना पसंद है ना, जो भी साग हम लोग खा लेते, इसलिए। और ये पालक ना इतना बड़ा बड़ा, देखिए वो कितना बड़ा बड़ा पत्ता है इसका,
अब अभी आ गए ये पम्पकिन और ये रेडिश लेकर, अब इसको डालकर मैं ये साग को भी अच्छे से कटिंग कर लिया, पालक को भी एक बार और अच्छे से धोऊंगी मैं। साग, पम्पकिन और ये रेडिश और ये ब्रिंजल तिल मिला के हम बनाएंगे आज साग चचड़ी, बोलते पालक चचड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है। आ गए क्या फुटेज लेने के लिए। और ये आलू और ड्रमस्टिक भी बॉइल हो गया। चलो जब जिस दिन ऑफिस नहीं रहता उस दिन मुझे थोड़ा अच्छा से हेल्प हो जाता है। चले फिर मैं ये वाला ड्रमस्टिक और पोटैटो को बॉइल हो गया है, बस इसको थोड़ा पानी को ड्रेन कर दूंगी और मसाला मिला दूंगी इसके अंदर। और ये इतना पालक मैंने रख दिया बेटा बेटी का फरमाइश है कि पालक पनीर खाना है, तो कल बनाऊंगी, आज तो पनीर बनाऊंगी। पहले दूध को बॉइल करके उसको छेना निकाल दूंगी। अब मैं बनाऊंगी इसमें ये साग वाला रेसिपी और इसमें बनाऊंगी ये ड्रमस्टिक और आलू का सब्जी। ये फ्राई वाला सूखा वाला बनेगा, दोनों ही सूखा आज बनेगा क्योंकि पकौड़ा भात के साथ खाना है, वो पानी भात के साथ, इसीलिए दोनों एक साथ में बना लूंगी। दोनों क्या चूल्हे में दोनों हाथ से बनेगा। आज गया नमक, हल्दी थोड़ा सा डाल देती हूँ, हल्दी ना डालो तो भी चलेगा। और ये है चिली पाउडर, तीखा बनाओ ना, ज्यादा तीखा नहीं, ज्यादा तीखा नहीं। ठीक है, बस अब थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट एक स्पून डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करके सेम टाइम ही बना लेंगे, कुछ रखने का कोई जरूरत नहीं। और ये साग के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पंचफोरन चाहिए होता है और सूखी मिर्च 2-3 और थोड़ा सा हींग चाहिए। और ये मैं ब्रिंजल, पम्पकिन और ये रेडिश मूली, इसको ऐसा लंबा लंबा कट करके काटते हैं। हाँ, थोड़ा लेट हो रहा, पापा पम्पकिन लेकर आने से ही लेट कर दिया। अभी मैं डालूंगी इसमें ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं दे रहा है, थोड़ा सा में हो जाएगा। ऑयल गरम हो गया, अभी थोड़ा इसमें मैं ये पंचफोरन डाल दूंगी। अब 3-4 लाल मिर्च, ड्राई रेड चिली से तोड़ के डाल दूंगी इसका अंदर। थोड़ा सा ही बस, अब मैं इसमें सारा सब्जी डाल दूंगी। वेजिटेबल डालने के बाद थोड़ी देर में फ्राई करूंगी अच्छे से। थोड़ा कवर लगा के फ्राई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आलू भी एक साइड हो गया, अभी दूसरा साइड में पलट दूंगी इसको। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। ये हो गया,
एक बार और एक बार डालूंगी ड्रमस्टिक का। और अभी इसके अंदर मैं पानी डाल के थोड़ी देर रख दूंगी, तो फिर खाने के टाइम हम लोग नींबू और लिमन और सॉल्ट डाल के खाएंगे, वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ये गरम भात में पानी और नमक डाल दिया, डाल के थोड़ी आधा घंटा तब जब तक ये हमारा साग और ये हो जाएगा 20 मिनट आधा घंटा ऐसे रख दूंगी, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और खाने के टाइम मैं लिमन डालूंगी इसके अंदर। और वो भाई बहन उनका झगड़ा स्टार्ट हो गया, खेलते खेलते रहते कब झगड़ा स्टार्ट होता है, 2 मिनट में झगड़ा भी स्टार्ट होता है। और ये वाला रेसिपी मैंने अपने ससुर जी से सीखा था, जब मैं नया नया शादी करके आई थी तो उन्होंने मुझे ये रेसिपी सिखाए थे। ये वाला मैं ऐसे साग में हम लोग दाल ऐसे देख के दाल मतलब बनाते थे, जैसे पालक में दाल मूंग का दाल होता है वो बनाती हूँ, पर ससुर जी ने एक दिन बनाए थे मुझे बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे ये रेसिपी सिखाया था। अब तो मैं इसमें अच्छी हो गई हूँ ये रेसिपी में, मुझे भी ये रेसिपी साग का ये रेसिपी बहुत पसंद है, आप जरूर ये एक बार ट्राई कीजिए। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, ढक दूंगी, बस 10 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगा ये। और ये ड्रमस्टिक फ्राई भी मेरा हो गया। और ये वो जो पानी वाला भात पखाड़ा भात के साथ खाने में इतना अच्छा लगेगा, वाह बहुत टेस्टी लगेगा। अब ये साग चटचड़ी रेडी हो गया, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, बस ढक दूंगी तो पानी ऑटोमेटिक थोड़ा ड्राई हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाएगा। अब ये पखला भात में मैं एक नींबू को निचोड़ लूंगी, नींबू का जूस डाल दूंगी इसके अंदर। अच्छे से मिला दूंगी। ये रेसिपी को भी आप जरूर ट्राई कीजिए, साग चटचड़ी। चलिए खाना लगा लेती हूँ, अभी लेट हो गया बहुत। ये हो गया हमारा आज पखाड़ा लंच, और अभी बच्चे को सबको दे दूंगी, सब इंतजार कर रहे हैं, ये अभी आ गए अभी। लो मुझे दे दो। चलो फिर अभी हम लोग खाना खाते, वो तो लेके चले गए आलू ड्रमस्टिक फ्राई जो उनका फेवरेट है, और मैं जाती हूँ सब खाना लेके।
बहुत अच्छा हुआ है, शांति लग रहा है। मैं बहुत मिनिमम उस दिन में बोली थी कि पकौड़ा खाऊंगी, एक दिन बने चिकन कोसा जो जो चिकन का आइटम, पर उस दिन ना उपवास के दिन ला, मतलब उपवास का नेक्स्ट दिन था सावित्री का ना, सावित्री का नेक्स्ट डे था, इनको दिया। और ये पकौड़ा बात बनाने के प्रोसीजर थोड़ा पानी दो तो अच्छा लगता है, आज जैसे बनाया तो वो चिकन का वो जूस देख के सूखा भात वो खा लिया, मतलब वो खा लिया, पकला भात नहीं खाया था उस दिन, पर आज ना शांति लग रहा है। और बहुत दिन के बाद खाई ना, साग भी है ना उसके साथ, मस्त लग रहा है, मस्त मस्त एकदम मस्त। आप ये वाला पकड़ा भात और ये सब ट्राई कीजिए। और चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, आज बच्चों का स्कूल में भी जाना है, अभी खाना खाकर जाएंगे, उनका सब भूख फूक सब मिलेगा, आज लेकर आएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ मेरा खाना, फिर मिलते हैं आप। होगा तो आज बहुत दिन के बाद अगर होगा तो मैं बाहर जाऊंगी, बोले चलो जाते, मैं भी कब से गई नहीं ना, थोड़ा जाऊंगी करके सोच रही हूँ, महीना हो गया ना, ढाई महीने के बाद तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ फिर चलती हूँ मैं। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किधर मेला में जा रही हूँ। चलिए खाना खा लेती हूँ। तो सब चल सब भीड़ है, हम लोग ही बाहर साइड निकल नहीं रहे थे। सारे दुकान खुले हैं, शायद फोर्थ लॉकडाउन के बाद ही खुल गया होगा ना, 7 to 7 ना, हाँ वो तो पता है, पर पूरा दुकान खुला है ये मुझे मालूम नहीं था। मैं सोचा था थोड़ा थोड़ा, मतलब जो एसेंशियल है वो दुकान खुला होगा शायद, और अब सब दुकान खुला है, सभी दुकान खुला है। चलो अब भर भर के राशन रखने का कोई जरूरत नहीं, अंदर तो एक ही पेरेंट्स को अलाउड है, वो जाएंगे शायद, वो जाएंगे, मैं इधर बैठी हूँ, इतना तक आगे मुझे वो बड़ी बात है। बैग ले जाओ, थोड़ी देर अच्छे से सो लूंगी, और जब तक नहीं आते थोड़ी देर इसे थोड़ा सो लूंगी, 10-15 मिनट तो लगेगा शायद उनको, याद है कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं, एक एक पेरेंट्स को शायद छोड़ते होंगे स्कूल में, इसलिए यहाँ पे ही मैं लेट जाऊंगी थोड़ी देर आराम से। वो आ रहे, हाँ आगे, चलो जल्दी हो गया, हो गया, इतने जल्दी हो गया, हाँ मिल गया, चलो बुक्स तो मिल गया था, वर्कशीट्स डायरी, चलो अच्छा है, जल्दी हो गया काम, नहीं भी तो मैं बोर नहीं हो रही थी, थोड़ा बाहर आकर ना अच्छा लग रहा था, पता है। अभी जाकर स्कूल से आकर आधा घंटा हो चुका है, अभी थोड़ी इधर लेटी हूँ मैं, पर ये अभी तक नहीं सोया है, अभी उसका आँख भी इतना छोटा हो के आ रहा है, बहुत जोर से नींद आ रहा है, जिसको अभी जिसको जैसे उसको नींद आता है ना, वो पूरा मेरा मुंह को ऐसे 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 करेगा, मामा मामा करेगा, बस उसके पास थोड़ी देर सो जाऊँगी तो सो जाएगी। चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं आज के ब्लॉग यहीं पर ही रखती हूँ, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।